हाय गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। केम छो बदा मजा मा। आज है 28 और आज है वेनसडे। और सुबह सुबह उठ गया था मैं 8:15 बजे। अब मैं 7 बजे क्यों नहीं उठा वो बताता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी नींद आ रही है। तो मैं उठा, चाय पी और अब फिर से आधे घंटे सोने जा रहा हूँ। खैर, मैं जल्दी क्यों नहीं उठा मैं बताता हूँ। तो गाइस, अब बज गए हैं 12:15। सुबह व्लॉग स्टार्ट किया था, उसके बाद अभी तक कुछ व्लॉग नहीं किया है। सुबह जल्दी उठा भी नहीं हूँ। दोनों के रीज़न मुझे बताने हैं, बता रहा हूँ। मेरी शक्ल देख के आपको कुछ लग रहा है? क्लास ख़त्म कर लूँ, उसके बाद बात करता हूँ आपसे। नेहा कर रही है वीडियो कॉल पे बात। मेरी क्लास हो चुकी है ख़त्म, तो मैं आपको बता रहा था कुछ कारण आपको बताने हैं, आइए बात करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो बात यूं है कि कल मैं उठ गया था 7 बजे, वॉक पे गया था, विच इज़ गुड, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके पहले मैं सोया था रात को 1 बजे एडिटिंग के चक्कर में। एडिटिंग नेहा करती है पर मैं जगता हूँ, मैंने शूट किया है, कभी उसको हेल्प की ज़रूरत हो वगैरह। उसके बाद आज क्या हुआ, आज मुझसे उठा ही नहीं गया, क्योंकि फिर मैं रात को 1 बजे तक जगा था, तो फिर मुझसे सुबह उठा ही नहीं गया। अलार्म बजा, मुझे होश आया, मैं हल्का सा होश में यहाँ पर आते हैं ना ऐसे, नहीं भाई नहीं उठना है, तो हमने कर दिया वापस से अलार्म बंद और फिर से सो गए। फिर आज लेट उठे, और लेट उठने के बावजूद भी कल मैंने व्लॉग के एंड में बोला था कि मुझे हल्का सर दर्द हो रहा है, वो सर दर्द कंटिन्यू है। अगर 2 दिन से, मतलब कल शाम से अभी तक सर दर्द कंटिन्यू है, तो इसका मतलब है ट्रिगर हो चुका है हमारा माइग्रेन। हाँ, तो अब मेरी तरह ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा कि माइग्रेन होता क्या है। मुझे भी कुछ सालों पहले तक नहीं पता था। पूछते हैं, आपको पता है माइग्रेन क्या होता है? सर दुखना। बस आपको पता है? सर दुखना। बस सर दुखता है, आधा सर दुखता है किसी का पूरा, आधा किसी का और किसी का पूरा सर। माइग्रेन क्या होता है? नहीं मालूम। माइग्रेन क्या होता है? और यहाँ सिर दुख रहा है तो माइग्रेन। ओके, आपने सुना सर दुखना मेन कंपोनेंट है, और जो सच भी है, पर कई सारे और कंपोनेंट्स हैं। माइग्रेन काफ़ी कॉम्प्लेक्स बीमारी है, और मुझे ये पहली बार एक्सपीरियंस हुआ था 2012 में। भाई अब 10 साल हो गए, और ये 10 साल में 2 या 3 बार बहुत ज़बरदस्त ट्रिगर हुआ है। आई होप ये वाला जो है वो ट्रिगर ना हो, मतलब ये बैठ जाए, आज या कल सो जाऊं तो बैठ जाए। ऐसा भी होता है कि एक आध दिन दुखा फिर बैठ जाएगा, पर अगर भाई ट्रिगर हो गया ना, तो ये 5-6 दिन 7 दिन जब तक दवा नहीं लेंगे ना, तब तक सर दुखता रहेगा, वो बड़ी बुरी हालत होगी। बस मैं होप कर रहा हूँ कि वो ना हो, या ये कोई कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स ना कर दे बस। चला, हर चीज़ में कोविड का डर लगने लग गया यार आजकल। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स बीमारी के बारे में काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में। आपने सुना हर कोई सिर्फ सर दर्द को जानता है, बट वो सर दर्द किस डिग्री पे और कितना भयंकर हो सकता है, वो सिर्फ उसी को पता चलता है जिसको होता है ना। और ऐसा भी नहीं है कि एक जगह पे माइग्रेन दुखने से माइग्रेन होता है, अलग अलग जगह दुखने का माइग्रेन का इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है। और मुझे बोला गया है कि आपको 3 कारणों से माइग्रेन ट्रिगर होता है। क्या देख रहे हो ये? हाँ करते हैं भाई अनबॉक्सिंग। एक्सपर्ट नेहा है, नेहा एक अनबॉक्सिंग करेगी, इसकी अनबॉक्सिंग होगी, तीसरा व्लॉग अनबॉक्सिंग वाला 8 दिन में। पर ये भी व्लॉगिंग के लिए ही सामान है, बताता हूँ क्या है। काफ़ी सारा शूट करके आ गई, अभी बात ही कर रहे हैं। ये अद्विका। फिका हाय, कैसे हो? दो वर्ड के सेंटेंस नहीं बोलती, वो पूरे पूरे वाक्य बोलती, समझ में आया? भले अपनी भाषा में बोलती है। वो अगर आपको ये लैंग्वेज आती हो तो हमें कॉन्टेक्ट करें, जल्दी करके बता। क्या करा, नजर उतारी इसने? नजर उतारते ना। आयो मामा, आयो मामा। कौन कुछ कुछ कर रहे? अच्छा, ओ भाई, ओ भाई साहब, इसको समझ आ रही कि मैं व्लॉग कर रहा हूँ, मतलब फोटो खींच रहा हूँ ऐसा? अरे फोटो खींच रहे हो, ऐसे करते हैं? अरे वाह यार, ऐसे
और आपको अगर लग रहा है कि सिर्फ ये बात कर रही है तो चलो नीचे दिखाता हूँ। अभी हमारे अभी आज से लॉकडाउन हो गया। अच्छा कर रहा, खा लिया पिज़्ज़ा। अब तो आलू ही खाने बस। दुआ दुआ करो सब ठीक हो जाए, सबको बड़ौदा बुला लेंगे हम। अच्छा अब आप भी वीडियो में आ रहे हैं। अब हाँ हाँ हाँ, मम्मी स्टार हो चुकी है एक बार। तो माइग्रेन के बारे में क्या विचार है मैडम आपके, क्या पता है आपको माइग्रेन के बारे में? मुझे माइग्रेन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मेरे घर पे किसी को भी माइग्रेन नहीं है। यहाँ आके आपको देखा, बाकी नहीं पता माइग्रेन के बारे में कुछ भी। हाँ तो भाई, जैसा आपने देखा माइग्रेन जो है हम लोगों को फिर भी पता है थोड़ा बहुत, पर नेहा के घर पे किसी को नहीं था तो उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो माइग्रेन के दो तरीके से इलाज करे जा सकते हैं, एक है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इलाज ये है कि किसी भी तरीके से सो जाओ। हालांकि जब सर दुखता है तो सोना मुश्किल होता है, पर मेरा सर दर्द हल्का सा माइल्ड हो गया है शाम होते होते, आई थिंक मैं अच्छे से सो जाऊंगा। और दूसरा इलाज है वही, डॉक्टर को दिखाओ, दवाई लो, कोई तरीका नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है। आपकी ओवर द काउंटर पैरासिटामोल ये सब वो सब माइग्रेन में काम नहीं करती। तो आज थोड़ा अजीब सा व्लॉग था, एक बीमारी के बारे में बातें थी, पर मुझे लगा कि ये बीमारी सब लोग को नहीं होती, तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना जरूरी है। अनबॉक्सिंग कर ले वेंडू। वेंडू नहीं हूं। वेंडू नहीं है तुम? नहीं। तो भी अनबॉक्सिंग तो कर ही दे यार, प्यार से बोलोगे तो कर दूंगी। देखो ऑलरेडी कमेंट आ गया कि मैं गौरव तनेजा का कॉपी करता हूँ, अब मैं बोलूंगा प्लीज नेहू अनबॉक्सिंग ला लो, तो एक और कमेंट आ जाएगा कि मैं गौरव तनेजा को कॉपी करता हूँ। तो नेहा स्पेशल अनबॉक्सिंग। अगर ये काम करे तो नेक्स्ट वीक आपको इनका रिव्यू मिल जाएगा। वैसे बाय द वे व्लॉग के लिए ये, तो शायद कल से आपको व्लॉग्स में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखे, तो कल वो इम्प्रूवमेंट मिलता है कि नहीं उसके लिए आप कल आइए। मड़ी आपड़े काले, आज माटे शुभ रात्रि।